सो हेलो हाय वेलकम टू कारव्यू और आज हम आपको बताने वाले हैं कि किया कारवाल जो है वो इंडिया में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जो 2024 की फोर्थ जनरेशन जो आने वाली है उसे देखा गया है, स्पॉट किया गया है। और ये जो कार है ये हमें अप्रैल में 2024 अप्रैल में लॉन्च हो सकती है, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है। और इसकी जो कीमत है वो एक्स शोरूम में हमें 40 लाख रुपए तक को देखने को आएगी, मतलब हमें मिलेगी। एंड इसकी सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये 7, 9 और 11 के लेआउट में हमें देखने को मिल सकती है। किया की इस लग्जरी एमपीवी कार में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3 इंजन ऑप्शन में हमें देखने को मिल सकता है, पेट्रोल डीजल और हाइब्रिड दिए जाएंगे। कंपनी ने इसमें नया 1.6 लीटर टर्बो पेट्रोल हाइब्रिड पावर ट्रेन जोड़ने की अनाउंसमेंट की है, लेकिन इंडिया में पेट्रोल इंजन का ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिल सकता है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें इंटीग्रेटेड स्क्रीन सेटअप, नया क्लाइमेट कंट्रोल पैनल और रोटरी ड्राइव मोड सिलेक्टर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। सेफ्टी की बात करें तो इसमें कई एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें कई ADS फीचर्स भी मिलेंगे, जिसके तहत लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल शामिल होंगे। भारत में इसका सीधा मुकाबला किसी भी कार से नहीं होगा, हालांकि इसे टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस से ज्यादा प्रीमियम ऑप्शन के तौर पर चुना जा सकता है। ऐसी वीडियोस को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। ओके बाय।